कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 11 अध्याय 11 अनिश्चित समाकलन प्रश्न क्या मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन 2x साइन इनवर्स x स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस x की घात 4 dx। सेकंड समाकलन cos क्यूब x dx। तीसरा समाकलन x स्क्वायर बाय अंडर रूट x माइनस 1 dx। पहला हमारे पास जो है उसको अपन लिख रहे हैं क्या 2x क्या साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4 dx। ठीक, अब इसको हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे और मानते हुए लिख रहे हैं। माना किसके बराबर इसे एक्स स्क्वायर को t के बराबर मान लेंगे। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x dx इक्वल टू dt। 2 को अगर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा x dx इक्वल टू dt बाय 2। इसको हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2x dx की जगह पर क्या जाएगा dt। तो ये आ जाएगा अगली स्टेप इसकी इंटीग्रेशन क्या साइन इनवर्स टी डी टी बाय अंडर रूट क्या 1 माइनस टी स्क्वायर। पुनः मान लेंगे, फिर से मानेंगे क्या मानेंगे पुनः माना हमने कि साइन इनवर्स टी बराबरी से जेट। साइन इनवर्स टी को किसके बराबर जेट के बराबर। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर क्या डी टी इक्वल टू क्या डी जेट। तो ये फिर से चेंज होकर क्या बन जाएगा ये फिर से चेंज होकर ये बन जाएगा जेट इंटू डी जेट। जेड का समाकलन जब करेंगे हम तो जेड का समाकलन आएगा जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब यहाँ जेड की वैल्यू अगर रखेंगे तो आएगी 1 बाय 2 जेड की वैल्यू साइन इनवर्स टी पूरे की घात 2 धन सी। टी को पुनः रखेंगे तो क्या जाएगा वो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 1 बाय 2 क्या साइन इनवर्स टी की जगह पर एक्स स्क्वायर। टी की जगह पर क्या रख देंगे हम एक्स स्क्वायर रख देंगे पूरे की घातों धन सी। ये पहले का हल कंप्लीट। आइए इसमें अब अपन दूसरे का हल देखें। दूसरे इसमें हमारे पास क्या कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। हमको समाकलन किसका करना है कॉस क्यूब एक्स डी एक्स का समाकलन हमको करना है किसका कॉस क्यूब एक्स डी एक्स का। हम में से सब जानते किसकी वैल्यू कॉस 3x की वैल्यू, क्योंकि हम जानते कॉस 3x की वैल्यू क्या है वो है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अब यदि इसे हम इधर ही रहने दे और इसको इधर पक्षांतर कर दे तो इसकी जो अगली स्टेप होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी 4 कॉस क्यूब एक्स बराबर इसे क्या कॉस 3x क्या होगी कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स। 4 का यदि हम इधर क्या कर दे भाग दे दे तो वैल्यू क्या होगी कॉस क्यूब एक्स बराबरी से 1/4 क्या कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स। कहने का मतलब है इसकी जगह पर हम इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो जैसे हम इस वैल्यू को रखेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 को हम बाहर रख दें और क्या लिखेंगे ब्रैकेट में लिखा हमने क्या कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स
dx, अलग अलग इनका समाकलन एक बटे चार। पहले पद का समाकलन इंटीग्रेशन cos 3x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन cos x dx। जब हम इनका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, 1/4। इसका समाकलन करेंगे तो sin 3x/3 (3) cos x का sin x कांस्टेंट c। 1/4 का सारे पदों में हम गुणा करेंगे तो ये क्या मिलेगा, sin 3x/12 प्लस 3/4 इंटू साइन एक्स प्लस सी। इसी में तीसरा देखेंगे, तीसरा हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन x²√(x-1)dx ये दिया है। अब इसका हमको क्या करना, समाकलन। इसका समाकलन करने के लिए हमने इसको लिखा x²√(x²-1)dx। माना कि इसमें जो x माइनस वन है इसको हम t के बराबर मानते हैं, हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये होगा dx बराबरी से dt के। फिर जहाँ पर x होगा वो किसे बदल जाएगा, वो बदल जाएगा 1+t में। तो इसको अब हम लिख देंगे अगले स्टेप में कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन 1+t√(t)dt। 1+t का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन t²+2t+1/√(t)dt। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखिए ये हमारे पास t², ये t²½ है, जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, t³√(2)dt। t³ में t²√(1)2 का भाग देंगे तो ये आएगा 2 इंटीग्रेशन t³ कितनी, 1/2 यानी कि करनी t(dt) प्लस 1/√(t), क्योंकि यहाँ 1 है। जब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर प्लस 1 जुड़ जाएगा तो 2/5। t³ कितनी, 5/2 धन 2 इंटू क्या 2/3। t³ कितनी, 3/2 1/√(t) यह जाएगा क्या, 2√(t)+c। अब हम यहाँ पर इसकी t² रख लेंगे। t² रखना मतलब देखो 2/5 t हमारे पास है x⁻ पूरे की घात कितनी, 5/2 धन 2 × 4 4/3। टी मतलब x⁻ पूरे की घात 3/2 धन 2√(t) मतलब x⁻ धन सी। सारे के सारे पदों से रूट एक्स माइनस वन को हम कामन यदि निकाल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ जो बचेगा, देखिए पहले में क्या बचेगा, पहले में बचेगा 5/2 मतलब 2 × 1/2 तो पहले में बचेगा क्या, 2। दूसरे में 4/3 3/2 मतलब 1 × 1/2 1/2 को कामन निकाल लेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ से पूरा पद करनी के ये बाहर निकाल चुके हम प्लस सी। इसके हल को देखेंगे अब तो हमारे पास में जो
मान है उसको ध्यान से देखें तो लघुत्तम 5 × 3 = 15, तो इसको 15 × 2 = 30, 5 × 3 इधर कर दो, 3 × 3 इधर कर दो, तो कंडीशन आएगी 1/15 को अपन ने कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 × एक्स ऋणे पूरे की घात 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x^2, 6 × 2 = 12x धन 6, 4×5 = 20, 20 × एक्स ऋण 1 में करेंगे तो क्या आएगा 20x·20, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, एक्स ऋण 1 धन सी। आगे देखिए 1/15 पदों को ध्यान से समझो, 6x^2 अकेला पद है, 20x में से 12x घट गया तो 8x, 30 × 6 = 36 में से 20 घट गया तो 16, करणी एक्स ऋण 1 धन सी। ये हमारे पास, अब इसमें भी सारे पदों में कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, 2 को कॉमन निकल लिया तो 2/15, तो यहाँ क्या बचा 3x^2, 2 × 6 = 8, फिर 2×8 = 16, करणी के अंदर एक्स ऋण 1 धन सी। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।